बंगाल में एक और कैश कांड। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक नकदी के साथ हिरासत में। नोटों की गिनती के लिए मंगाई गई मशीन। जी हां, पश्चिम बंगाल में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़ा गया है। इन विधायकों के पास से भारी मात्रा में नोट बरामद किए गए हैं। हावड़ा की एसपी स्वाति भंगालिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। जिन 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबीरा से विधायक नमन बिक्सल है। शनिवार की रात हावड़ा में पुलिस ने जब गाड़ी रोककर तलाशी ली तो उसमें से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर सहित कार में सवार 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। विधायकों के पास मिले कैश के मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एसपी स्वाति भंगालिया ने कहा कि हमने झारखंड से कांग्रेस 3 विधायकों को हिरासत में लिया है, जिनमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबेरा के विधायक नमन बिक्सल हैं। इनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। नोटों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तीनों कांग्रेसी विधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की तरफ जा रहे थे। शनिवार रात इनकी गाड़ी को पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया और तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी रखी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा से आ रही एक कार को रोका गया। कार के अंदर झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सवार थे। गाड़ी के अंदर बेहिसाब नकदी मिली है। एसपी ने बताया कि नकदी कितनी है ये बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। काउंटिंग मशीन से नकदी की गिनती की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायकों से पूछताछ की जा रही कि ये पैसे कहां से आए और इसे कहां ले जाया जा रहा था। आपको बता दें, गाड़ी पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड भी लगा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड के बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में लिए जाने की खबर है। भ्रष्टाचार के आबखंड में डूबी इस सरकार का हर एक घटक राज्य को अंदर से खोखला करने में जुटा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक चमचे सब के सब। वहीं विधायकों के पास से कैश बरामद होने के बाद टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये पूरी तरह से चौंकाने वाला है। कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। झारखंड कांग्रेस के विधायकों को हावड़ा में रोका गया। टीएमसी ने सवाल किया कि क्या ईडी कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। वो लंबे समय से गैर बीजेपी शासित राज्य में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि उन्होंने कैसे महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर किया है। बताया जा रहा है कि इन 3 विधायकों को शुक्रवार से ही पार्टी के नेता खोज रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इस बीच शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पश्चिम बंगाल से भारी कैश के साथ पकड़ा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।